कह सकते हैं कि दोनों टर्म्स पर इंडिविजुअल रूट है, ये इंडिविजुअल रूट न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, दोनों ही केस में आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से, जो चैप्टर लिया है वो लिमिट्स। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने लिख दिया है, अब सबसे पहले लंबी लिमिट का क्वेश्चन देखें तो क्या करें, ये जो x टेंड्स टू जीरो लिखा है ना, इसको डिनोमिनेटर में पुट कर दें और चेक करें। इसको पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं आ रहा, तो चेक कर लो x टेंड्स टू जीरो मतलब x की जगह जीरो पुट करो, तो हाँ भाई डिनोमिनेटर में जीरो तो आ गया। इसका मतलब ये है कि इस स्टेप पर x इज इक्वल टू जीरो नहीं पुट किया जा सकता, तो फिर क्या करें इस क्वेश्चन में। तो देखो आप ऐसा समझ सकते हो कि जब न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों की बात चल रही है, उस पर इंडिविजुअल रूट हो, तो आप कहोगे सर यहां तो रूट है, वन पर तो रूट है ही नहीं, तो वन पर रूट नहीं है तो रूट लगा सकते हो ना। तो कह सकते हैं कि दोनों टर्म्स पर इंडिविजुअल रूट है, ये इंडिविजुअल रूट न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, दोनों ही केस में आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को यहां साइन चेंज किया मतलब प्लस कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगला स्टेप देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रूट वन प्लस एक्स माइनस का वन, जरूरी नहीं है कि इस वन को आप रूट वन ही लिख के दिखाओ, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि रूट वन भी वन ही होता है। और इसको आप कर दो रैशनलाइज, मतलब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस वन, मतलब ये साइन बीच का चेंज करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बन जाएगी। अगला स्टेप देखें, अब न्यूमरेटर में आपको एक आइडेंटिटी बनती दिखाई देगी, इस पूरी को अगर a मान लो रूट वाले टर्म को, तो a माइनस बी ए प्लस बी, एंड व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी क्या है वन, वन का स्क्वायर होल अपॉन, डिनोमिनेटर में कोई चेंज मत करिए, उसे एज इट इज कॉपी करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब चेक करो इंडिविजुअल टर्म पे रूट भी और स्क्वायर भी है, तो नियम क्या कहता है, रूट भी गया स्क्वायर भी गया, और वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कितना आ गया, वन प्लस एक्स माइनस का वन होल अपॉन, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी करते जाओ, कोई चेंज मत करना, तो रूट वन प्लस एक्स और प्लस का वन, चेक करो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। अगला स्टेप, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स और प्लस का वन, चेक करो क्या ये वाला एक्स में इस एक्स से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो हमारे पास टर्म बचा क्या, हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस वन। अब आप क्या कर सकते हो, ये एक्स टेंड्स टू जीरो फिर अपने डिनोमिनेटर में डालो और चेक करो कहीं फिर से जीरो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आंसर ही आ चुका है, और अगर आ रहा है तो फिर कुछ और लगाएंगे। तो चलो जीरो पुट करो तो रूट वन आ जाएगा, रूट वन वन होता है, सॉरी ये जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब मैं लिमिट अगले स्टेप पर पुट कर रहा हूं, और लिमिट अगर मैं अगले स्टेप पर पुट करूंगा तो लिमिट लिखना बंद कर दूंगा। तो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस जीरो प्लस वन, वन अपॉन व्हाट इज रूट वन, रूट वन इज वन, तो वन प्लस वन, और फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आया, वन अपॉन टू। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लिमिट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उसे चेक कर लें, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।